मैं अपने क्षेत्र में अपनी जनता के साथ हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के नाम पे भेदभाव नहीं होने दूंगा। कि हम इस वक्त फरीदपुर में मौजूद हैं, यहीं के रहने वाले राजेश कश्यप जी जो कि समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, लेकिन एक कोविड के दौर में जिस तरीके से लोग अपने घरों में कैद थे, तो वहीं पर राजेश कश्यप लोगों के बीच जाकर उनकी मदद कर रहे थे। मदद कोई छोटी मोटी मदद नहीं है, लोगों को अपना खून दिया, लोगों के बीच गए, जबकि डर सता रहा था कि कोरोना संक्रमित हैं ये लोग, कहीं मुझे ऐसा ना हो कोरोना हो जाए, लेकिन नहीं। सेवा की अगर बात की जाए तो समाज सेवा सबसे बड़ी सेवा है। आज वही आलम है कि आज भी केस कम हैं, लेकिन जो भावना है समाज सेवा करने की, लोगों के बीच जाने की, आज भी वही कंटिन्यू रहती है। आज जाते हैं हॉस्पिटलों के बाहर, दलिया देते हैं लोगों को, जाकर उनकी फैमिली को दलिया देते हैं, मास्क देते हैं, अगर कहीं खून की ज़रूरत भी किसी को होती है तो खून भी देते हैं। ये सेवा सिर्फ कोरोना के टाइम की नहीं है, कोरोना से पहले पता ये चला कि कोरोना से पहले भी राजेश कश्यप ने तमाम शादियां लोगों की कराई। वो नाम से वाकिफ़ होंगे आप, क्योंकि फरीदपुर क्षेत्र में ये नाम जो है या जो शख्सियत है वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन आज हम आपको उस शख्स का चेहरा और उस शख्स के बारे में बताते हैं कि कैसे करके वो लोगों की मदद करते हैं और क्या उनका मदद करने का जो है तरीका रहता है या क्या करना चाहते हैं वो लोगों के लिए। आप लोगों के बीच जाकर बहुत अपडेट में रह रहे हैं, निस्वार्थ होकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। एक तरफ कोरोना के टाइम में लोग घरों में कैद हो जाते हैं, लेकिन आप घर से निकलकर लोगों के बीच गए, जहां डर सताता था कि लोग कहीं पॉजिटिव ना हो जाएं, उस बीच जाकर आपने मदद की। जी जी नहीं बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि कोरोना पीरियड में नहीं, और मुझे ही नहीं बल्कि क्षेत्र के सभी लोगों को इस महामारी के दौर में, जहां राष्ट्रीय महामारी इसे घोषित कर दिया गया है, ऐसे पैंडमिक माहौल में कहीं ना कहीं सभ्यस्त जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, प्रभावी व्यक्ति हैं, उन्हें आम जनता के बीच जाना चाहिए। घर में बैठने का समय नहीं है, इस समय हम लोगों को ज़रूरत है कि हम जनता के बीच जाएँ और जनता को वास्तविक तौर पर इस समय प्रतिनिधि की जरूरत है। कैसे करके परेशानियां लोगों ने आपको साझा की, कैसे करके बताया था कोविड के दौर में, आप कैसे पहुंचे उन तक? लोगों में एक तरह का डर का माहौल पैदा हो गया था, कोई घर से निकलना नहीं चाहता था, और बीमारी का दौर लगातार बढ़ता जा रहा था। सिर्फ कोरोना से नहीं, जो रेगुलर की बीमारियाँ होती हैं, जैसे किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, दमे की प्रॉब्लम है, और भी अन्य कितनी बीमारियां होती हैं जिसके बीमारियों से लोग जूझ रहे थे, हॉस्पिटल तक नहीं जा पा रहे थे। तो उस पीरियड में कहीं ना कहीं हमें जो है जनता के बीच जाना चाहिए था, और जाना चालू कर दिया हमने, और जनता ने हमें बताया कि भाई साहब आप ही एक ऐसे शख्सियत हैं जो कहीं ना कहीं हमें फ़ोन पे हमारी जानकारी ले रहे हैं, हालात का जायज़ा ले रहे हैं, हमारे बीच आ रहे हैं, नहीं तो हमारे अपने प्रतिनिधि जो हैं जिन्हें जनता ने अपने वोटों के माध्यम से चुना है, चुनकर कहीं ना कहीं विधानसभा भेजा है, नगर पंचायत भेजा है, प्रधानी में बनाया है, वो भी अपना फ़ोन बंद करके बैठे हैं। और ऐसी महामारी के समय में जब वास्तविक तौर पे जनता को अपने नेता की ज़रूरत है, उस समय वो बंद हैं। तो जनता ने हमें, जहां हम जनता के बीच जा रहे थे, जनता ने भी अपने सुख दुख में हमें साझेदार बनाया। कहीं जनता के पास राशन की कमी थी, कहीं बीमारी से लड़ने के लिए दवाइयों की कमी थी, और कहीं ना कहीं आप समझते हैं बीवी बच्चों के परिवार में और भी बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएँ होती हैं दवाई की और दूसरी तरह की, जो सिर्फ पैसे से ही पूरी हो सकती हैं। तो ऐसे समय में हमने जनता की मदद की जाके, और उनके साथ उनके कई बहुत से घरों में मौतें हुई हैं, अंतिम संस्कार के लिए भी कई बार ऐसा समय हमें देखने को मिला। मैं आप लोगों के बीच मीडिया के माध्यम से नाम नहीं उनका बताना चाहता, लेकिन कुछ घरों में अंतिम संस्कार करने के लिए भी कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पे मजबूती नहीं थी, परेशानियां बहुत ज़्यादा थी, परेशानी बहुत थी उस दौर में हमने उनकी मदद की। बहुत से परिवारों में शादियां पहले से फिक्स हो चुकी थी, गरीब का माहौल था, लोगों ने एक दूसरे पैसों का आदान प्रदान करना था, वो भी उनका कहीं ना कहीं रुक चुका था। तो शादी का टाइम था, बरातें आने को तैयार थी, कहीं 20 आदमी 50 आदमी की गवर्नमेंट ने परमिशन कर दी थी, लेकिन
सिर्फ लोगों के दावत में व्यवस्था करने का ही इंतजाम कम किया था गवर्नमेंट ने, लेकिन जो थोड़ा बहुत दान दहेज या और दूसरी आवश्यकता वाली चीज़ें वो तो कहीं ना कहीं पूर्व संपूर्ण तरीके से दी जाती हैं जनता शादी में दहेज में, उसकी कहीं ना कहीं कमी हो गई। तो उसमें जो हमसे बन पाया हमने उन समस्याओं को भी जनता की हल करने का काम किया जी। इस बीच बहुत सारी लोगों की समस्याएं आपने दूर की, लेकिन मुझे वो घटना से प्रेरित हुआ, मैं वो घटना के बारे में बताइए जब ब्लड देने की बात आ गई थी, वो क्या पूरा सीन था जी? वो अभी नज़दीक में ही हाल का ही मामला है। हमारा फरीदपुर क्षेत्र के बीच में एक ग्राम पड़ता है बहादुरपुर करोड़। प्रहलाद सानी जी की कोई भगंदा टाइप की बीमारी थी, उसका उन्होंने किसी लोकल डॉक्टर से ऑपरेशन करवाया था और वो ऑपरेशन अनसक्सेसफुल होने की वजह से उनकी ब्लडिंग लगातार चलती जा रही थी। गंभीर हालत में गांव वासियों ने और कहीं ना कहीं उनकी माता जी ने, बुजुर्ग माता जी और उनकी धर्मपत्नी जी ने उन्हें ले जाकर बरेली के आला हजरत अस्पताल में एडमिट करवा दिया और वहाँ उनकी हालत कहीं ना कहीं बहुत नाजुक हो चुकी थी। ग्रामवासियों द्वारा कहीं ना कहीं उन पर थोड़ी सी आर्थिक तौर पे भी वो स्थिति कमज़ोर थी। ग्रामवासियों द्वारा हमारे पास खबर आई कि ऐसे ऐसे किसी की हालत गंभीर है, आपको देखना चाहिए, आपको जनता याद कर रही है। तो मैं पहले उनके घर गया बहादुरपुर करोड़, वहाँ से मुझे जानकारी मिली कि वो यहाँ से उन्हें आला हजरत हॉस्पिटल भेज दिया गया है। मैंने वहाँ जाकर जब हालात का जायज़ा लिया तो उनकी माता जी और उनकी धर्मपत्नी ने कहीं ना कहीं रोते हुए हमें बताया कि डॉक्टर्स ने इमरजेंसी में उनके लिए ब्लड की डिमांड की है, क्योंकि बॉडी से उनके ब्लड इस कदर बह चुका था कि ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी थी और हालात बहुत नाजुक हो चुके थे उनके। तो उन्होंने मुझे बताया कि इनके ब्लड की ज़रूरत है और ब्लड देने वाला कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में कोई नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी के बीच ब्लड देना तो दूर की बात है, सगे संबंधियों ने भी साथ छोड़ दिया और हॉस्पिटल तक आने को कोई तैयार नहीं है। तो ऐसे में मैंने बोला कि कहीं ना कहीं से व्यवस्था करते हैं, और जब कोई व्यवस्था नहीं दिखी तो उनकी जान को जाते हुए देखने के बाद मैं मजबूर हो गया कि कहीं ना कहीं ये इंसानियत का फ़र्ज हमें निभाना पड़ेगा। और मैंने डॉक्टर साहब से तुरंत बातचीत की, मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, अभी हम हैं और हमारे अंदर इतना ब्लड है कि हम किसी की मदद कर सकते हैं। तो मैंने अपने नाम प्रपोज किया कि मेरा ब्लड लीजिए आप और इनको बचाने का काम करिए, बाकी देखिए जीवन मृत्यु तो खुदा के हाथ में होती है, लेकिन इंसान का फ़र्ज काम करना होता है, अपनी एक्टिविटी करना होता है, जो हम फर्ज निभा सकते हैं हमें वो करना होता है, हमने किया। मैंने IMA जाके एक 1710 रुपये की रसीद कटती है वहाँ ब्लड देने के लिए, वो 1710 रुपये जमा किए, उसके बाद अपना ब्लड दिया और कहीं ना कहीं आज अल्लाह का शुक्र है, भगवान की ईश्वर की कृपा है कि 4 दिन 6 दिन जरूर लगे लेकिन वो ठीक हो गए, स्वस्थ होकर आज अपने घर आ गया है। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि आज उनकी माताजी और उनकी धर्मपत्नी मुझे दिल खोलकर दुआएं दे रही हैं, और यही दुआएं उनकी इन दुआओं का ये असर है कि आज मैं भी अपने तौर पे अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, सक्षम हूँ। ना कि लगता है कि एक ऐसे नेता की ज़रूरत है फरीदपुर में भी, तो अगर हाई कमान से आपको टिकट समाजवादी पार्टी से मिल जाता है और आपको भी अगर ये चाहत है और आप भी चाहते हैं कि मैं लोगों के प्रति जाकर उनकी सेवा करूँ और पब्लिक भी चाहती है ये बात तो क्या वाकई में आपकी प्रोग्रामिंग या आपका क्या वाकई में मिजान या एक मन बन सकता है? जी बिल्कुल आपने सही बात कही, जनता के द्वारा मुझे खुद प्रतिनिधित्व दिया जाता है, तो सबसे पहले मैं ये प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि किसी भी कीमत पे मैं अपने क्षेत्र में अपनी जनता के साथ हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के नाम पे भेदभाव नहीं होने दूँगा। जो पहले पिछले कुछ समय में हिंदू मुस्लिम के नाम पर हमारे राइट्स हुए हैं, आम जनता को जान माल की हानि हुई है, ये किसी कीमत पे मैं अपने पीरियड में अपने कार्यकाल में होने नहीं दूंगा। ये मेरा सबसे बड़ा प्राथमिकता पे मेरा ये वादा रहेगा। क्या लगता है आपको फरीदपुर में आज किस चीज़ की ज़रूरत है अगर जनता आपको चुन लेती है? जो ये फरीदपुर फाटक है इससे रोज़ाना कहीं ना कहीं कम से कम 5 लाख लोग या 2 लाख लोग डेली आवाजाही करते हैं, जिनका मैं समझता हूँ कि जन्म से लेके आज तक यदि वो 60 साल के हुए हैं तो 60 साल में से 30 वर्ष का समय उनका सिर्फ फाटक पे व्यतीत हुआ है। उनका 30 वर्ष का तो वो समय बीत गया जो किसी काम ही नहीं आया, फाटक के इस तरफ या उस तरफ। तो मैं कहीं ना कहीं यदि मुझे जिम्मेदारी मिलती है तो मैं कहीं ना कहीं सबसे पहले अपनी प्राथमिकता में उस फाटक का
कोई ना कुछ ऑल्टरनेट निकालने का काम जरूर करूँगा। एक जनप्रतिनिधि को जनता के बीच जाके उनके सुख दुख का हिस्सेदार बनना सबसे पहले जरूरी है। उनके सुख दुख में जाएंगे हम और उनके दिलों में अपनी जगह बनाए रखेंगे। और आने वाले टाइम में देखते हैं अब राजेश कश्यप जी का वो चेहरा किस तरीके से फरीदपुर के लोगों तक या उनके दिलों तक पहुँच पाएगा।